किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्यारे जो भागवत है ना ये मरना सिखलाती है कि मरा कैसे जाए, मरा कैसे जाए, मुक्ति कैसे होवे। आजकल तो मानव को ठीक से मरना भी नहीं आता महाराज, जीना तो कहां आवे, मरना भी ना आवे। जीते जी दुखी रहेगा हा? और जब मरेगा भी तो कहां, कहीं लटक के मर जावे महाराज। कहा मरो तो अच्छे से मरो। और मरना किसका सफल है, जिसने अपने जीवन में सही ढंग से जीवन जिया हो वही अच्छे से मर सकता है। और जीने की कला कहते हैं, जीवन को जीने की कला ये मानस और भागवत सिखलाती हैं, पर मरने की कला भी यही सदग्रंथ सिखलाते हैं। जियो तो कैसे जियो और मरो तो कैसे मरो। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं प्यारे। एतस्माद् परम किंचित् मनः शुद्धिः न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम्। ये जो आप कथा सुन रहे हैं ना इस शुभ अवसर के ऊपर, ये आपका इस जन्म का कोई पुण्य नहीं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम्। न जाने कितने पुण्य इकट्ठे किए होंगे तब आप उन पुण्यों को इकट्ठे करके यहाँ भागवत सुनने को बैठे हो। जन्म जन्मांतर के पुण्य जिसके जागते हैं ना प्यारे, उसी को ही ये भागवत मिलती है, उसी को ही ये कथा मिलती है। साधारण नहीं है भागवत। कहा महाराज इसकी महिमा क्या है, ध्यान से सुनना। प्रेक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। प्रीक्षिते कथां वक्तुं, श्री सुखदेव जी महाराज की सभा लगी हुई है, राजा प्रीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे हैं। उसी समय सुधा कुंभम गृहीत्वैव अमृत का कलश लेके देवास्तत्र समागमन, देवता वहां पर इकट्ठे हो गए, देवता इकट्ठे हो गए महाराज। एवं विनिवेय जाते सुधाराग्य प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृत। महाराज हे राजा क्या करेगा कथा सुन के, जीवन ही तो चाहिए तुम्हें, तुम्हें शाप लगा है ना से सातवें दिन तक शक के काटने से तुम्हारी मृत्यु है जाएगी, डर है ना मृत्यु का, अमर कर देते हैं तुम। परंतु एक शर्त है, ये अमृत तुम्हें दे रहे हैं इसके बदले ये कथा तुम हमें दिलवा दो। सौदा हो रहा है महाराज, परंतु राजा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं मानो वो यहां सरे दे के होते हैं सोते, यहां सरे दे के होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है कि यहां सर दे के होते हैं सोते। महाराज भगवान से प्रीति इतनी आसान नहीं है, आसान नहीं है। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके और नाम प्रेम का ले। अरे लोभी क्या शीश कटाएंगे प्रेम में, आसान नहीं है शीश कटाने, यहाँ सर दे के होते हैं सोते। हे देवताओ कह रहे हैं सतगुरुदेव राजा, देख लो सोता बढ़िया है, जीवन तुम्हें मिल रहा, अमृत तुम्हें मिल रहा, अमृत ही तो जीवन है इसे पी लो, कथा ही तो मांग रहे हैं तुमसे, कथा दे दो उनको। परंतु राजा बड़े समझदार हैं, राजा मन ही मन सोच रहे हैं गुरुदेव से, कह रहे हैं सतगुरुदेव इस जल के ही कारण तो इतना बड़ा शाप लगा, इस झूठी पिपासा के कारण ही तो वो शाप भी फिर मेरे जीवन का पुण्य बन गयो। महाराज संत का शाप भी पुण्य बन जाता है प्यारे,
संत की कठोरता में भी बड़ी विनम्रता होती है। कोई संत, एक संत बैठा करते थे महाराज अटारी के ऊपर, डंडा हाथ में रखा करते थे। लोग मिलने जाते दूर से ही डंडा मारते, यहां मेरे पास क्या लेने आता है, कछु नहीं मेरे पास। महाराज संसारी तो दूर से ही देख के भाग जाया करते थे, संत डंडा मारते हैं। पर एक प्यारा था बड़ा, रसिक था, संत के पास गया, संत ने डंडा मारा, नीचे हाथ जोड़ के बैठ गया, महाराज एक और मार दो, बड़ी कृपा है जो। संत ने फिर डंडा मारा, महाराज फिर कृपा कर दो ना, डंडा उठा और फिर नीचे गिर गया महाराज। संत कहते हैं मुझे तेरी ही तो तलाश थी। संत की मार में भी प्यारे भगवत कृपा होती है। ये दुनिया वाले इन डंडों की परवाह करके ही तो संत के शरणागत नहीं होते, भागवत के शरणागत नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ नियम थोड़े कठोर हैं। आजकल का मानव बड़ा लचीला है, आसानी से जो चीज मिल जाए। महाराज भागवत में तो 4 घंटे बैठना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं मिलता कुछ कि 2 मिनट में कृपा है जाए। जहां 2 मिनट में कृपा हो जाए महाराज, आप प्यारे ऐसी कृपा तो आजकल गोलगप्पे और चटनियों में मिल जाती है। हाँ, जिस कृपा को हम ढूंढते हैं वो दुखों के निवारण तो दुनिया करती है, परंतु असली जीवन का जो सुख है ना, वो सुख केवल भगवान नाम में है। प्यारे प्यारे प्रभु नाम में जो सुख है, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही जागीरी में। वो आनंद केवल प्रभु नाम में है, केवल भगवान नाम में।